नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा मॉडल्स होते हैं, डेटा मॉडल होता क्या है, उसके क्या टाइप्स वगैरह हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस। ठीक है, द डेटा मॉडल गिव्स अस द कंसेप्चुअल आइडिया ऑफ हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड मैनिपुलेटेड इन द डेटाबेस एंड हाउ द फाइनल सिस्टम विल लुक आफ्टर इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो जो हमारा डेटा मॉडल होता है वो हमें क्या बताता है, क्या देता है, वो हमें एक कंसेप्चुअल आइडिया देता है, एक थ्योरेटिकल आइडिया, एक थ्योरेटिकल विचार देता है। ठीक है, ऑफ हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड, वो हमें बेसिक बुनियादी तौर पर यह बताता है कि किस प्रकार से डेटा को स्टोर किया जाएगा, मैनिपुलेटेड इन द डेटाबेस, डेटाबेस में जो हमारा डेटा है उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा, मैनिपुलेट किया जाएगा, उसमें बदलाव करना है कुछ। ठीक है, एंड हाउ द फाइनल सिस्टम विल लुक आफ्टर इट्स इंप्लीमेंटेशन, और जो हमारा फाइनल सिस्टम है वो कैसा दिखेगा इंप्लीमेंटेशन के बाद, कार्यान्वयन के बाद। ठीक है, इंप्लीमेंट होने के बाद फाइनल सिस्टम कैसा दिखेगा, तो ये सब चीजें कौन बताता है, डेटा मॉडल बताता है। ठीक, तो डेटा मॉडल मेनली बात से क्या है हमारा, कि डेटा का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किस प्रकार से उसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, क्या उसमें मैनिपुलेशन बदलाव किए जाएंगे, क्या उसको नियंत्रित कैसे क्या, तो डेटा के जो इर्द गिर्द सारी चीजें हैं ना, उसके कंट्रोलेशन के इर्द गिर्द, तो उसको हम बोलते हैं डेटा मॉडल। ठीक है, इट इज जस्ट द कंसेप्चुअल व्यू, ये सिर्फ एक क्या है, कंसेप्चुअल व्यू, एक वैचारिक हमारा आइडिया है ये। ठीक है, व्यू है, मतलब क्या है, एक थ्योरेटिकल मॉडल है। क्लियर है बात। थ्रू द डेटा मॉडल्स वी डिफाइन हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विल बी मॉडल, तो ये जो डेटा मॉडल्स है इनकी मदद से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि जो हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर रहेगा, जो हमारा लॉजिकल संरचना रहेगी डेटाबेस की, ठीक है, वो कैसे रहेगी, कैसे बनेगी। ठीक है, तो ये क्या बात बता रहे हैं यहाँ पर, थ्रू द डेटा मॉडल्स के थ्रू वी डिफाइन हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस विल बी मॉडल, तो जो हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर होगा डेटाबेस का वो कैसे बनेगा, कैसे मॉडल होगा, ये सब चीजें हम कैसे पता करेंगे, थ्रू द डेटा मॉडल्स की मदद से। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स, तो डेटा मॉडल्स के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। क्लियर है बात। फिर क्या एंटिटी रिलेशनशिप, जिसको ER डेटा मॉडल बोल सकते हो आप। फिर क्या ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल, हायरार्किकल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल। तो ये हमारे छह प्रकार के यहाँ पर हमने डेटा मॉडल्स के टाइप लिख रखे हैं। इनके बारे में आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक करके बात करेंगे, हर एक मॉडल के बारे में। ठीक है, बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था कि डेटा मॉडल बेसिक होता क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, अब आगे आने वाले हम टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा पहला सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।